हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी द चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील वन मोर टॉपिक दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ओके चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ओके इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओके सो लेट्स बिगिन आवर क्लास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स एक्चुअली रजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स रजिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं फर्स्टली वायर बाउंड रजिस्टर ओके दिस इज वायर बाउंड रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज कार्बन रजिस्टर्स कार्बन रजिस्टर्स ओके okay. अब दोनों में क्या डिफरेंस है और हम मैक्सिमम यूज़ कार्बन रजिस्टर का क्यों करते हैं ठीक है तो एक्चुअली कमर्शियली यूज़ करने के लिए या फिर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर आपको रजिस्टर्स की ज़रूरत तो होती ही है ठीक है तो रजिस्टर्स हम वायर बाउंड रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं एंड कार्बन रजिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है बट दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो देखते हैं ठीक है तो फर्स्ट हम बात करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर ओके फर्स्ट हमारा है वायर बाउंड रजिस्टर तो इसमें क्या होता है कि कुछ अलोइ के रजिस्टर्स बनाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल निक्रोम निक्रोम मैंगन एंड कांस्टेंटन, ओके इन अलोइ के क्या बनाए जाते हैं रजिस्टर्स बनाए जाते हैं जो कि रजिस्टर्स को या रजिस्टर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं रजिस्टर की वैल्यू को टेम्परेचर के साथ या फिर अदर कॉफिशेंट के साथ डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करते हैं ठीक है मिन्स रजिस्टर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है नाउ वायर बाउंड रजिस्टर्स जो हैं उनका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है एक्सपेंसिव होते हैं एंड लार्ज साइज में होते हैं ठीक है इनका जो साइज है वो काफ़ी लार्ज होता है सो so, हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए था जो इनएक्सपेंसिव हो ठीक है मीन्स जिसकी कॉस्ट कम हो एंड जो साइज में छोटा हो कॉम्पैक्ट हो ओके okay. देन इंट्रोड्यूस हुआ कार्बन रजिस्टर ओके एंड यस वायर बाउंड रजिस्टर की जो रेंज होती है रजिस्टेंस की वो होती है वन ओम टू फ्यू ऑफ हंड्रेड ओम ठीक है काफ़ी कम होती है वायर बाउंड रजिस्टर्स की रजिस्टेंस ओके सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी कैन इंट्रोड्यूस द कार्बन रजिस्टर ओके कार्बन रजिस्टर सेकेंड इंट्रोड्यूस क्या हुआ कार्बन रजिस्टेंस अब ये जो रजिस्टेंस है वो मैक्सिमम यूज होता है ओके बिकॉज ऑफ इसके क्या क्या फीचर्स हैं सो फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ कॉम्पैक्ट ठीक है साइज so में ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड इट इज़ इन एक्सपेंसिव ओके इनका एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होता है कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है तो आप इजीली इन्हें परचेस कर सकते हैं ओके एंड देन रेंज काफ़ी हाई होती है अप्रोक्स वन ओम टू हंड्रेड मेगा ओम हंड्रेड मेगाओम इसकी जो रेंज है वो एज़ कंपेयर टू वायर बाउंड रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा होती है इसीलिए जनरली हम कार्बन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं अब ये क्या होता है कार कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स तो एक्चुअली कार्बन रजिस्टर्स जो हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं ठीक है उन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखना आसान नहीं होता है इसीलिए हम कलर्स यूज करते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि इस रजिस्टर की वैल्यू ये है ठीक है वो जो पर्टिकुलर रजिस्टर है उसमें कलर्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ओके क्लियर है अब कार्बन रजिस्टर में जो पूरा कोडिंग होता है कलर कोडिंग वो देखते हैं ओके ओके कार्बन रजिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं तो एक्चुअली कार्बन रजिस्टर्स जो हैं सपोज आपके पास एक ये रजिस्टर है ठीक है इसमें फोर बैंड्स होते हैं वन टू थ्री फोर फर्स्ट टू बैंड्स शो करता है डिजिट्स को ठीक है डिजिट्स डिजिट वन एंड डिजिट टू या इसे नंबर्स भी बोल सकते हैं थर्ड बैंड शो करता है मल्टीप्लायर को मीन्स टेन की पावर को ओके एंड फोर्थ बैंड शो करता है टॉलरेंस पावर को ठीक है मींस रेजिस्टेंस कितना डेविएट हुआ है ओके okay. सो so, ये जो फोर बैंड्स हैं इनके वैल्यू को कलर के फॉर्म में कैसे दिया जाता है वो हम सीखते हैं ठीक है और ये फार्मूला तो आपको लर्न करना है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस इस फॉर्मूले के थ्रू आपको सारे कलर्स लर्न हो जाएंगे ओके सो फर्स्ट बीबी रॉय मीन्स फर्स्ट कलर है आपका ये जो कलर है ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है ये कलर का है फर्स्ट वाला कॉलम दिख रहा है कलर का है सेकेंड नंबर्स एंड थर्ड मल्टीप्लायर ओके कलर्स में स्टार्ट करते हैं बी बी मीन्स ब्लैक फर्स्ट ब्लैक सेकेंड ब्राउन ओके रॉय मीन्स आर ई एट रेड ऑरेंज येलो ओके जो आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं वही आपको यहां कलर्स में यूज करना है ठीक है जी जी फोर ग्रीन ब्लू ओके ब्रिटेन के लिए ब्लू and V पी फोर वायलेट जी फोर ग्रे एंड डब्ल्यू फोर वाइट ठीक है ये भी मैं बताती हूँ गोल्ड एंड सिल्वर का एक्चुअली गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस ये जो है वो लास्ट के थ्री जो नंबर्स हैं या लास्ट वाला जो बैंड है वो शो कर रहा है ठीक है मीन्स इसमें टॉलरेंस पावर आ गई तो फर्स्ट गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस पावर होती है वो प्लस माइनस फाइव होता है ठीक है सिल्वर के लिए प्लस माइनस टेन एंड नेकलेस मीन्स नो कलर अगर कोई कलर नहीं है तो उसके लिए टॉलरेंस पावर होता है प्लस माइनस ट्वेंटी ओके आपको इस तरह से सारी वैल्यूज को पुट करना है अब नंबर्स की बात करें तो जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके टेन की पावर जीरो जो यहाँ पर नंबर है बस वो टेन की पावर में हो जाएगा टेन की पावर वन टेन की पावर टू टेन की पावर थ्री टेन की पावर फोर टेन की पावर फाइव टेन पावर सिक्स टेन पावर सेवन टेन पावर एट एंड एट लास्ट टेन पावर नाइन ओके okay. ना इन दोनों में भी टेन की पावर को देखा जाए तो माइनस वन होगा एंड दिस इज माइनस टू ओके अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं आपके पास एक रजिस्टर गीवन है ओके okay, रजिस्टर गीवन है और इसमें फोर बैंड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स जो हैं फर्स्ट टू बैंड्स के कलर हैं आपको गीवन ग्रीन फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड इज ब्राउन कलर एंड थर्ड वन इज ऑरेंज ओके एंड लास्ट वन इज़ गोल्ड आपको बताना है रजिस्टेंस की वैल्यू फॉर दिस रजिस्टर ओके सो ग्रीन कलर का जो नंबर है वो क्या है फाइव सो फाइफ ब्राउन के लिए वन सो फिफ्टी वन ठीक है एंड मल्टीप्लायर के लिए ऑरेंज ऑरेंज थ्री मीन्स टेन पावर थ्री सो मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री एंड टॉलरेंस पावर को कैसे लिखेंगे गोल्ड के लिए कितना होता है प्लस माइनस फाइव सो यहाँ पर प्लस माइनस फाइव ओके एंड यस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम सो फिफ्टी वन मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री ओम प्लस माइनस फाइव ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखें सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कलर्स दिए हैं फर्स्ट बैंड के लिए कलर है रेड ब्ल्यू ओके ग्रे एंड लास्ट सिल्वर ओके देन वी हैव टू फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर सो फॉर रेड it is two blue it is five so 26 multiply gray ke liye kitna ho jayega 10 power at this is ohm and silver silver ke liye kitna hai plus minus 10 okay plus minus 10 percent तो यहाँ पर हमने percent sign लगाना नहीं bola okay so this is your resistances okay आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रही है ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं ठीक है आज के लिए ये यह लेक्चर यहीं एंड करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच